तो फिलहाल कैसी वैरायटी चल रही है जी? बस जी, मतलब 38 के बाद का ऑप्शन मान रहा है। अच्छा, 38 को मतलब यही रिप्लेस कर सका है बिल्कुल, फिलहाल की संभावना तो यही है, जी। और आने वाले समय का पता नहीं कि कोई और इससे भी बढ़िया भी जा सके। जी फिलहाल की स्थिति बता रहे हैं हम, आज की ताजा स्थिति, जी क्योंकि इसमें वो दम है। एक तो इसका बॉर्डर मुद्दा, जी जितना बढ़िया इसका बोर्ड निकलेगा जी इतना ही बढ़िया इसका निकले मुद्दा। मुद्दा जी ब्यांत भरपूर है, जी ब्यांत भरपूर के है, ब्यांत में 38 को फैल करे जी जी तो और रोक रंगत सोनी है जी तो बोरर की समस्या बहुत ही ना के बराबर है। जी अगर मैं बल्कि एक एक्सप्रेस में जो कटवा दिया सही। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज गांगडोली गांव में पहुंचे, जो जिला बागपतवा गांव है भाइयों, और चुगामा क्षेत्र पड़ता है, राजीव राठी जी के खेत पर हैं भाइयों फिलहाल। और इनके वैरायटी है 97-09 है जी, हाँ जी 97-09 वैरायटी लगा रखी भाइयों, और कई वैरायटी और भी लगा रखी। इस वैरायटी को दिखाऊंगे भाइयों, ये कैसी चल रही है और कब की बुआई है और ये वैरायटी कैसी लगी इन्हें, तो इस वैरायटी के बारे में सारी जानकारी लेंगे भाई से। आओ जी किसान भाई से मुलाकात कराते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई, अपना परिचय करा दो जी एक बार। मेरा नाम है जी राजीव राठी जी, गांव गांगडोली जिला बागपत। बहुत बढ़िया जी, तो ये वैरायटी कौन सी है जी वैसे? ये है जी कोलक 97-09। 97-09, हाँ जी। तो ये नई वैरायटी है जी? हाँ जी, ये मेरे पास पिछले साल भी था। अच्छा, वो पिछले साल थोड़ी मात्रा में थी है। जी, और अब की बार तो करीब ये 6 बीघे है। 6 बीघे है, तो ये अर्ली में ही है जी वैसे? हाँ जी अर्ली में ही है। और मिल भी ले रहा है आपका? मिल हमारा जो बसाना शुगर मिल है, ये रिकमेंड कर रहा है लोगों को जी, आपकी बार बुआई इसकी करवाओगा। करवाओगा तो फिलहाल कैसी वैरायटी चल रही है जी? बस जी, मतलब 38 के बाद का ऑप्शन मान रहा है। अच्छा, 38 को मतलब यही रिप्लेस कर सका है? बिल्कुल, फिलहाल की संभावना तो यही है जी, और आने वाले समय का पता नहीं कि कोई और इससे भी बढ़िया भी जा सके। जी फिलहाल की स्थिति बता रहे हैं हम, आज की ताजा स्थिति जी, क्योंकि इसमें वो दम है। एक तो इसका बॉर्डर मुद्दा, जी जितना बढ़िया इसका बोर्ड निकलेगा जी इतना ही बढ़िया इसका निकले मुद्दा। मुद्दा जी, ब्यांत भरपूर है जी, ब्यांत भरपूर के है, ब्यांत में 38 को फैल करे जी जी तो और रोक रंगत सोनी है जी, तो बोरर की समस्या बहुत ही ना के बराबर है जी। अगर मैं बल्कि एक एक्सप्रेस में जो कटवा दिया सही बताऊं, मैं अपने डर में जी भाई चारों तरफ खड़े 38 जी जी, ऐसा ना हो थोड़ा बहुत भाई ज्यादा छाती पिटे तो ज्यादा पहलवान बने थे जी, ऐसा ना हो भाई थोड़ा मोटा नुकसान कहीं जी हो जाए, और किसान के हालात नुकसान झेलने के है नहीं जी जी। ऐसी स्थिति में किसान जा रहा है जी, और किसी के बीघे के तो बाद दूसरी कई एक आदमी बिस्से में भी नुकसान हो जाए तो उसका भी लॉस ही है। अच्छा, तो ये भी मार्च की बुआई है ये? हाँ। अच्छा जी, ये पूरा खेत है मेरा। हाँ, ये 20 से 25 मार्च के बीच सही तारीख का तो। अच्छा, मतलब सारे बीज जो हैं टोटल? हाँ हाँ, ये 20 से 25 के बीच में पूरे खेत की इसकी बुआई इसी खेत में लग रहे हैं सारे? हाँ जी। नहीं, एक खेत हो रहे अलग है वो जी जी, वो लेकिन इस खेत की जो बुआई है वो लगभग एक दिन। अच्छा, तो बुआई में तो वही सेम होगा डाई वगैरह? सेम है, DAP और रिजेंट डाल रहे हैं अपने यहाँ तो जी, बाकी और जगह कुछ और भी लोग गिरते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के सौदे सब गिरे हैं, सबकी अपनी अपनी सीमत है जी। हमारे यहाँ तो डाई एक फंगिसाइड लगाऊ है और एक रिजेंट। चलो, ये बुआई का मेन सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद में जो है उस क्या डोज दे रखी? उसके बाद में तो इसमें एक बार तो डाई पड़ ली जी, दोबारा से? हाँ, उसके बाद में जमने आखिरी बार जुताई करी इसकी तो डाई गिरी थी जी, और यूरिया क्या ली इसमें? तीन तीन यूरिया दे लिए। तो यूरिया तीन बार देने के बाद में भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। तो बोरर वगैरह तो आया ना? ना, ये जो नई वेरायटी है ये थोड़ी सी यूरिया की मात्रा 38 का मुकाबला 32 महंगा है जी। तो ये तो 38 की जगह जो कर्म 38 में धड़ी का बीघा गिर दे जी, 38 वेरायटी ऐसी है जो धड़ी के बीघे को भी दिखा दे जी जी लगभग, लेकिन इन बीजू में 90 बीजू में आप धड़ी का बीघा यूरिया गिर दो आपको नो भी पता नहीं लगा कि धड़ी का बीघा यूरिया गिर गया जी। एक स्प्रे कर दी? एक स्प्रे कटवाई मैं भैया, जो आजकल धमाका हो रहा कोरोलजी टर्मिनेटर का, वो तो मैं अपने टोटल ही खेत में कटवाई, वसार में कराई, बोर्ड मुद्दा जो भी है सब मैं फिलहाल की स्थिति में कटवा दी जी। चलो खैर, हम यहाँ थोड़े से नीचे में खड़े, हाँ मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ हाँ डोल पे से, हाँ क्योंकि डोल ही है इधर, और फिर अंदर से दिखाऊंगा ठीक है। तो भाई ये डोल है, मैं डोल पे खड़ा होकर दिखा रहा थोड़ा सा, ये इस तरीके से खड़ा है, ये धोरे के खूड नीचे हैं थोड़े से, और फिर जो सीधे खूड हैं ये सामने खड़ा, देखो गन्ना, ये इसकी हाइट जो है 8-9 फुट के करीब पत्ती जा रही, और ये इस तरीके से गन्ना खड़ा भाइयों, ये देख लो जी सारा।
तो ये ज्यादा में है जी कुछ क्या जी? ये बीज जो है रकबाइश का? हाँ रकबाइश का लगभग पीबी 95 का भी पीबी 95 से ज्यादा है पड़ी मेरे पास। अच्छा ये कहीं भी होगा? यूँ होगा जी यहाँ करीब 3 बीघे ही है, 3 बीघे का एक खेत हो रहा है इसका, लगभग 6 बीघे मान कर चलो। अच्छा 3 बीघे है ये? हाँ जी। तो आओ जी अंदर कुछ चलाएंगे एक बार और इस गन्ने को दिखाओगे। ये देखो भाई ये 40 इंची पर बुआई है और ये ना ट्रंच है ना शादी है। ब्यांत बहुत बढ़िया है। ये ब्यांत है जी? बहुत सोना ब्यांत है जी। ये देख लो जी। और राइट का कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो आप ये देखो, ये तो खड़िया पी भी पिचाण में। हाँ जी ये तो पी पिचाण में है साइड में भाई। खड़िया जी इस साइड 97.09 97.09 इसकी पत्ती में तो मान ला गया पी भी पिचाण में से ऊपर जाए। हाँ पी पिचाण में से ऊपर है जी कुछ। हाँ जरा सी लेवल तो एक ही है जमीन का? एक है बिल्कुल पलायन खेत। हाँ बस इसमें पी पिचाण में ये है कि इसमें की लटकमा है। हाँ इसकी थोड़ी सी एक पत्ती इसकी सीधी खड़ी, ये सीधी खड़ी। हाँ और मेरे ख्याल से 6 फुट की हाइट आपकी भी हो रही होगी? मेरी यहाँ 6 ही है लगभग, 1 इंच गाठ से। हाँ 1 इंच गाठ तो अगर पत्ती कुछ दिख रहा तो लगभग 8 फीट बैठ जाएगा। 8 फीट दिखा के मोल है। हाँ जी हाँ नहीं कोई बात नहीं, फिर भी अंदाजा तो लगाना ही पड़ता है। ओवरऑल खेत ठीक खड़ा इसका, हम तो संतुष्ट हैं जी। और तो ये जो है जी ये ब्यांत है इसका, ये दिखाइए एक बार। ये ब्यांत है ये ढूंढ कटी। अच्छा ये इस तरीके से खूब ब्यांत करे। हाँ ब्यांत बढ़िया। एक फर्क हो रहा है जी, इतने टिल्डिंग करेगा ये ब्यांत करेगा जी, इतने इसकी हाइट रुकोगी। अच्छा अच्छा ब्यांत होने के बाद में हाँ फिर ये चले थोड़ी सी बड़ बारिश की अदर वेराइटी को मतलब थोड़ी सी लेट है, लेकिन जो जो बारिश का टाइम नजदीक आता चले जाए, यूरिक बार होता चले जाए, पकड़ता चले जाए अपनी जी जी। और एंड इसका ऐसा हो अक्सादी 38 को भी हटा दे जी जी, क्योंकि थोड़ा सा नरमाई के मौसम में भी जहाँ ठंड मारी शुरू हो जाए 38 तो लगभग मजा सा लगे, अक्टूबर नवंबर में लास्ट हो लेगा बड़ बारिश की, लेकिन यूँ ठंड के दिनों में भी थोड़ा बहुत चलता रहे। इसकी रंगत बनी रहे, इसकी रंगत नहीं बिगड़ती, रंगत नहीं बिगड़ती। तो रंग तो इसका मतलब लगभग ये जो है हरा रंग है। ये देखो जी ये बढ़िया हाइट का है, वो धोरे के खूट थोड़े से नीचे थे, बेलू से टूट जाओगी है जी, जो सही में बेलू के पैर टिक जाने जी, तो बेलू से टूट जाओ थोड़ा चौथा रह जाते। हाँ धोरा तो टूटा ही है जी। हाँ जी। तो भाई ये देखो ये गिनका हो रहा है बहुत ही सारा कुछ, क्योंकि 40 इंची में बुआई है, बस आदमी जैसा ही है लगभग। तो भाइयों ये आज राजीव भाई के खेत की वीडियो थी, 97.09 है जी। हाँ जी 97.09 वेराइटी है भाइयों, और ये बहुत ही शानदार खड़ा मार्च की बुआई है। तो भाइयों ये थी राजीव भाई के खेत की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।